अलैक व्यूअर्स के हाल है कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे वेलकम टू माई चैनल ट्विटर टुडे वी आर डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक इज़ बिहेवियर ऑफ़ मैमल्स ठीक है मैमल्स का बिहेवियर कैसा होता है ठीक है तो मैमल्स के बिहेवियर को देखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वॉट आर द मैमल्स ठीक है मैमल्स क्या होते हैं सो बेसिकली मैमल्स आर द क्लास ऑफ वर्टिब्रेट एयर ब्रीथिंग एनिमल्स ठीक है वर्टिब्रेट मतलब कि उनके वर्टीब्रेल कॉलम होगा जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ एयर ब्रीथिंग एनिमल्स के ब्रीथिंग मतलब ऑक्सीजन की इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर सकते होंगे उस मेल्स आर कर बाय द पोजीशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ठीक है उनकी फीमेल्स के पास क्या होंगे मेमोरी ग्लैंड्स होंगे ठीक है वॉय बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर करक्टरसाइज बाय हेयर ठीक है और मेल और फीमेल्स दोनों की बॉडी भी क्या होंगे हेयर या फर वगैरह पर वगैरह होंगे ठीक है थ्री मिडल ईयर बोन्स ठीक है ईयर में तीन मीटर एडबॉन्स होंगी यूज इन हेयरिंग जो कि हमारे पास सुनने में मदद करेंगी एंड अ न्यूकॉटिक्स रीजन इन द ब्रेन और ब्रेन में एक न्यूकॉटिक्स रीजन होगा सम मैमल्स हैव स्वेट ग्लैंड्स बट मोस्ट डू नॉट और कुछ मैमल्स में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ठीक है और कुछ में नहीं होते हैं ठीक है हमारे अंदर हैं तो वी आर आर सू मैमल्स ठीक है हम मैमल्स में आते हैं ठीक है इसके अलावा ये जो ऊपर आप पिक्चर्स में आपको सारे नज़र आएंगे सारे मैमल्स हैं ठीक है मतलब इनकी बॉडी के ऊपर फर भी होंगे हेयर्स भी होंगे ठीक है इनकी फी फीमेल्स ये क्या करेंगे प्रोजेस करेंगी मेमोरी ग्लैंड ठीक है इनकी ईयर बोन्स भी होंगे ये सारी करेक्ट्रिस्टिक्स आती हैं ठीक है ब्रीथिंग भी कर सकते होंगे अच्छा अब बात करते हैं इनके बिहेवियर पैटर्न की कि जो हमारे पास मैमल्स होते हैं वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं ठीक है सो एनिमल बिहेवियर इज़ कंसनट्रेड अराउंड अबिलिटी टू मूव ठीक है एक so, uh, तो वो मूव करते हैं ठीक है दूसरा वो फूड के लिए फूड की तलाश में जाते हैं वाटर और शेल्टर के लिए वो अपना बिहेवियर शो करेंगे ठीक है? है, 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 है? तो है, है अच्छा ये करेंगे एनिमल्स प्ले करते हैं दूसरे के साथ खेलते हैं ये उनका एक बिहेवियर आ जाता है ठीक है वो रिप्रोडक्शन करते हैं ये उनका एक बिहेवियर है अच्छा बिहेवियर रिजल्ट इज़ रिएक्शन ऑफ स्टिमुलस अब बिहेवियर कैसे होगा कोई भी स्टिमुलस होगा मैंने उस दिन भी एक वीडियो में आपको एक बात क्लियर की थी कि जिस वक्त भी हमें कोई गर्म चीज़ जो है वो टच करती है तो हम फटाफट से आग पीछे कर लेते हैं ठीक है दैट इज़ कॉल्ड द स्टीमुलस ठीक है डैट हॉट थिंग इज़ कॉल द स्टीमुलस ठीक है जिसने ब्रेन को फटाफट मैसेज किया ठीक है इन अ मिलियन ऑफ सेकेंड्स तो व हमने क्या किया स्किप कर लिया अपने हाथ को पीछे कर लिया डेट इज़ कॉल द स्टीमुलस ठीक है डिटेक्टेबल चेंज होता है ठीक है जो कि बॉडी एनिमल्स इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फील करेगा ठीक है वो हमारे पास क्या हो सकते हैं हंगर भी हो सकती है साउंड भी हो सकता है कोई साउंड आई ठीक है कोई पेन हुआ ठीक है विजुअल क्यू स्टिमुलस हो सकते हैं हार्मोनल चेंजेस हो गई तो ये सारे हमारे पास क्या हैं स्टिमुलस हैं अच्छा टाइप्स ऑफ बिहेवियर में हम देखते हैं तो हमारे पास एनिमल्स जो या मेमल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास माइग्रेटरी बिहेवियर भी हमेशा होता है टेरिटोरियल भी होता है एनिमल कम्युनिकेशन वापस में एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं टेरिटोरियल बिहेवियर होता है जो एक दूसरे से एक टेरिटरी के अंदर रह रहे होते हैं माइग्रेटरी मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में हमारे पास आ जाता है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं हाउ दे रिप्रोड्यूस सोशल बिहेवियर मतलब उनका सोशल कॉन्टैक्ट कितना है ठीक है मतलब आउटसाइड इन्वामेंट के साथ फॉरेजिंग बिहेवियर फॉरेजिंग बिहेवियर के अपने फूड की सर्च में वो जो जाते हैं वो उनका बिहेवियर कैसे है ठीक है अच्छा ये यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको बताई गई हैं ठीक है अब सर्वाइवल बिहेवियर का क्या मतलब है कि मतलब वो सर्वाइव करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे देखें ये फूड फाइंड करें मैन यू मस हंड फॉर देयर फूड लाइक दिस ऑल ठीक है ये अपनी खुराक के लिए हंट कर है ठीक है अब ये सर्वाइवल बिहेवियर है उसे ज़िंदा रहना है ठीक है जिंदा रहना है उसका सर्वाइवल बिहेवियर है तो जिंदा रहने के लिए उसने क्या करना है अपने लिए फूड की सर्चिंग करनी है और उसके लिए ऑल हमारे पास क्या कर रहा है वो हंट कर रहा है जबकि हमारे पास चिमपैजी जो, जो होते हैं या मंकीज जो होते हैं वो क्या करते हैं यूज़ करते हैं टूल्स को ठीक है टू गेट इंसेक्ट्स फॉर फूड ठीक है वो टूल्स वगैरह यूज़ करके अब देखें यहाँ पर ये जो आपको चिमपैजी नज़र आ रहा है ठीक है ये हमारे पास ये जो आ, हमारे पास ये क्या कहते हैं ट्री है उसमें से मतलब या कोई जगह है जिसमें से ये किसी भी ये हाथ में उसमें शायद कैपनी डंडी वगैरह कोई जिससे वो इंसेप्स को रहा है अपनी फूड के लिए ठीक है फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डिफेंसिव एक्शन क्या होता है तो बेसिकली डिफेंसिव एक्शन होता है बिहेवियर टू आसोर्स ठीक है डिफेंसिव एक्शन भी शो करते हैं डिफेंसिव एक्शन उस वक्त एनिमल्स शो करेंगे या मैमल्स शो करेंगे जिस वक्त उन्हें ये होगा कि लाइक वो किसी ख़तरे के अंदर है ठीक है तो फिर वो क्या करेंगे डिफेंड करेंगे वो डिफेंड किस लिए करते हैं फूड के लिए करते हैं मेट्स के लिए करते हैं अपने बच्चों को हॉस्पिटल को बचाने के लिए करते हैं ट टू सी अब क्या की दिखा होता है कैसा होता है कि कोई ऐसा आ गया प्रीडिएटर ठीक है तो उस उन मैम्स या एनिमल्स ने प्रीडियटर से बचने के लिए क्या करना है अपने आप को ऐसे अडॉप्ट करना है कि उनको वो नजर ना आए लाइक इन द एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर आपको ये, ये रेबट नजर आ रहा है और ये रेबेट हमारे पास क्या करते हैं फ्रीज फ्रीज हो जाता है सोट कलर ब्लैंड बैकग्राउंड ये अपने आपको इस तरह से फ्रीज कर लेते हैं कि अगर वो बैकग्राउंड अगर वो पत्तों के साथ है पत्तों में कहीं बैठा हुआ है या कहीं पे तो उसका कलर लाइक हो जाएगा ग्रीन तो वो हंटर जो होता है या वो प्रिडेटर जो होता है उसे नज़र नहीं आ रहा होता कि इट इज़ एनिमल और नॉट ठीक है तो इसलिए वो अपने आप को उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं कॉर्शिप बिहेवियर हमारे पास क्या होता है एनिमल नीड टू फाइंड मेट्स टू तो रिप्रोड्यूस ठीक है ज़ाहिर सी बात है एनिमल्स जो है वो अपने रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए मेट की ज़रूरत होगी ठीक है अब क्या होगा कि एनिमल्स हैव स्पेशल बिहेवियर्स दैट हेल्प देम टू फाइंड अ मेट ठीक है उस बिहेवियर को हम कोर्शी बिहेवियर कहते हैं ठीक है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को भी हम कोर्श बिहेवियर कह सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि टू क्रेन्स परफॉर्म अ कोर्शिप डिस्प्ले डांस ठीक है अब क्या होता है कि इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो ये दोनों क्रेन है ठीक है जो कि हमारे पास क्या कहते हैं कोशिप बिहेवियर शो करते हैं बाय डांसिंग ठीक है ये लोग डांस करते हैं इसी को इम्प्रेस करने के लिए ठीक है ताकि इनकी दोस्ती हो जाए तो तब इनकी तो ये कोटी बिहेवियर ऐसे शो करते हैं उससे वो सीजनल बिहेवियर होता है कि मतलब वो सीज़न के हिसाब से कैसे चेंज होते हैं मतलब देखें सीज़न अगर गर्म होगा तो वो ठंडे इलाकों की तरफ क्या करेंगे माइग्रेट करेंगे ठीक है और मतलब शॉर्ट ट्रिप्स करते हैं एनिमल्स लैंड मार्क्स यूज़ करते हैं ठीक है थीके? मतलब अगर वार्मर एरिया तो वो ठंडे इलाक़े की तरफ हो जाएंगे अगर बहुत ही ठंडा इलाका तो वो वार्मर की तरफ जाएंगे अच्छा कहते हैं फेरामज इन एनिमल्स वो फेरामस भी कुछ एनिमल्स रिलीज़ करते हैं ठीक है अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा कई दफ़ा ऐसा होता है कि लिविंग टुगेदर का एक एग्जांपल आ जाती है कि हमारे पास कई दफ़े ऐसे होते हैं कुछ एनिमल्स एक इकट्ठे रह रहे होते हैं ठीक है द बेनिफिट्स ऑफ़ लिविंग इन ग्रुप्स सेफर दैन लिविंग अलोन ठीक है वन एनिमल कैन वन मैनी अदर ऑफ डेंजर ठीक है अब एक साथ वो जो ग्रुप की फॉर्म में रहेंगे तो बहुत से फ़ायदे हैं ठीक है वो ईज़िली इस फूड की सर्चिंग कर सकते हैं प्रीडेटर से बच सकते हैं ठीक है लार्जर प्रे से लाजर पे को हंट कर सकते हैं जैसे कि एनिमल्स दूसरे को एनिमल्स को कि वो उनको हर्ट ना करें इसको क्या कहते हैं डेंजर में रख सकते हैं नए नई हम लोग सब इकट्ठे फॉर्म में ग्रुप की फॉर्म में है तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा एज़ कम्पेयर टू कि वो अलोन रहे हैं ठीक है अब कहते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल आप देखें ग्राउंड स्क्र रिसर्स अलाउड अलार्म इफ देअ डेंजर ठीक है अब ये क्या है अगर ये रह रहे हैं सारे ये देखें अब इस ये जो स्क् है ठीक है इसकी एग्जांपल मैंने ये जी हुई है आपको तो ये जो स्क् है ये क्या करेगी जिस वक्त से कोई डेंजर नजर आएगा तो ये क्या करेगी अलार्म कॉल करेगी ठीक है इस तरह आवाज़ करेगी लाउड आवाज़ में तो बाकी जो जितने भी मेंबर हैं इसके ग्रुप के अंदर तो उन्हें मतलब एक अलार्मिंग नोटिस मिल जाएगा कि हाँ जी वाकई चेंजर्स ठीक है अब ये क्या है अगर ये रह रहे हैं सारे ही देखें अब इस ये जो स्क्रल है ठीक है इसकी एग्जाम्पल मैंने ये दी हुई है आपको तो ये जो स्क्रल है ये क्या करेगी जिस वक्त से कोई डेंजर नजर आएगा तो ये क्या करेगी अलार्म कॉल करेगी ठीक है इस तरह आवाज़ करेगी लाउड आवाज़ में तो बाकी जो जितने भी मेंबर हैं इसके ग्रुप के अंदर तो उन्हें मतलब एक अलार्मिंग नोटिस मिल जाएगा कि हाँ जी वाक़ी देर इज़ एनी डेंजर अराउंड दैम ठीक है तो वो क्या करेंगे फटाफट से अपनी अपनी पोजिशन ले लेंगे जो कुछ भी उससे बचने की कोशिश करेंगे ठीक है अच्छा आ, बिहेवियर अडाप्टन क्या होती हैं कि वो हाइबरनेशन शो करते हैं विंटर सर्वाइवल टेक्निक वेयर एनिमल्स बिकम इनएक्टिव एंड ऑल बॉडी प्रोसेस स्लो डाउन क्या क्या होता है हाइपरनेशन में क्या होते हैं कि वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं ठीक है अगर वो सर्दी है तो वो गर्मी वाली जगह पे जाएंगे इस तरह मैंने कहा था इन कोल्ड वेदर मोस्ट एनिमल्स मस्ट ईट लार्ज क्वान्टीज़ ऑफ़ फूड अब ये भी एक हाईर का बोला कि वो लार्ज क्वान्टीज़ ऑफ़ फूड लेते हैं विंटर में क्यों क्योंकि इसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है ठीक है तो वो तो नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज से ज़्यादा खाते हैं ताकि वो अपनी बॉडीज़ को बॉडी की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकें तरह बियर हो गया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्बिवोर्स कौन से होते हैं एनिमल्स जो कि हमारे पास हर्ब शब्स के ऊपर फीड करते हैं ठीक है देयर टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर डेवलप टू ग्राइंड एंड डाइजेस्ट वेजिटेबल्स लाइक कॉक हो गया गोड डियर जिराफा ये सारे हमारे पास क्या है हर वोज है जो कि मतलब किसके ऊपर वेजिटेबल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं कारनी जो कि हमारे पास क्या करते हैं गोश्त वगैरह के ऊपर सर्वाइव करते हैं फीड और फ्लैश ठीक है स्केवेंजेस क्या होते हैं जो कि हमारे पास जो गला सड़ा हुआ मादा रह जाता है उसको खा लेते हैं प्लेन वाटर एनिमल ठीक है स्केवेंजेस हमेशा डेड ऑर्गेजम के ऊपर लाई करते हैं और वहीं से वो अपनी फूड लेते हैं ओमनी वो कौन से होते हैं ओमनी वोज ओमनी मीन बोल ठीक है ये प्लांट्स भी खाएंगे और मीट भी खाएंगे लाइक like ह्यूमस हम लोग फॉर एग्जांपल मैं अपनी दूंगी ठीक है हम लोग जो होते हैं ह्यूमस हम लोग गोश्त भी खा रहे होते हैं हम सब्जी भी खा रहे होते हैं तो वी आर ओमनी वो ठीक है दे गेट देयर फूड मोस्ट इजीली अदर एनिमल बिकॉज दे इजिलीज मोर टाइप्स ऑफ फूड देन आइदर ठीक है हरबी वो से ये डिफरेंटली बहुत टाइप ऑफ फूड्स को ले सकते हैं ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे हम लोगों ने कुछ मैमल्स बिहेवियर के बिहेवियर्स एनिमल्स के पढ़े कि वो माइग्रेटरी बिहेवियर कैसे शो करते हैं या फिर वो पोर्टिप बिहेवियर कैसे शो करते हैं ठीक है सो so, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और दूसरी चीज़ क्या थी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछना है ठीक है एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक मैं उसको आंसर करूँगी इन शाला थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़